नगर निकाय का चुनाव प्रथम चरण में 4 मई को होगा। नगर निगम के चुनाव में कुल 100 वार्ड हैं, जिसमें 354 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 7073 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पहुंच गए। गौरतलब है कि नगर निगम के लिए केपी कॉलेज के मैदान से तथा नगर पंचायतों से संबंधित तहसील मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां पहुंच गई है। सभी शाम तक अपने अपने बूथों पर ईवीएम के साथ पहुंचे। गुरुवार को मतदान होगा। प्रयागराज में 17 लाख से ज्यादा मतदाता है। इसमें नगर निगम के महापौर व पार्षदों के चुनाव में 15,76,000 मतदाता है, जबकि 8 नगर पंचायतों के चुनाव में लगभग 1.5 लाख मतदाता है, जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 13 मई को होगी। 1,000 से समथिंग जो है, 1,000 से ज्यादा बूथ संख्याएं हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें बूथ पोलिंग बूथ बनाई गई हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। सारे कार्मिक लगे हुए हैं, अपना काम अपने लगन से कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कितनी फोर्स तैनात की गई है? काफी फोर्सेज हैं। अब एक्यूरेट संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन भारी मात्रा में फोर्स संख्या है। पूरी व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। पर्याप्त हमारे पास शासन है, पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त पुलिस बल है। कोई दिक्कत नहीं है।